we will do certain uh, few more questions to understand probability or, you know, get some hands-on skills on probability. here's an example. according to stanford university's blood center, these are the probabilities of human blood type in the united states. apikoi blood type, ki probability g, uh, probability, U.S ka data, orye, apikoi most examples. i have cited the source in each slide. आपको समझाने की दी दी हैं और आई हैव साइटेड दैट सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चोजन पर्सन इज अ पोटेंशियल डोनर फॉर अ पर्सन विद ब्लड टाइप ए इसकी प्रॉबिलिटी निकालने के लिए यू हैव टू लुक ए डेटा केयरफुली एंड हमें पता है कि पोटेंशियल डोनर फॉर अ पर्सन विद अ ब्लड टाइप ए कुड बी ओ और ए सो ये दोनों तरह के ब्लड उसको लग सकते हैं ये भी और ये भी

और उसको ए भी लग सकता है दोनों लग सकते हैं तो हम एडिशन लॉ यूज़ करेंगे और एडिशन लॉ के मुताबिक हम उसका प्रोबेबिलिटीज जमा करेंगे पॉइंट फोर फोर प्लस पॉइंट फोर टू विच इज इक्वल टू पॉइंट एट सिक्स तो पॉइंट एट सिक्स इज अ प्रॉबिलिटी के वो पोटेंशियल डोनर्स जो है वो आपका um, ब्लड दे सकता है विद अ पर्सन विद अ ब्लड टाइप ए ग्रुप लेट्स डू सम अदर एग्जांपल्स सपोज वी रोल टू डाइस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ डाइस शो अ फाइव वैसे ये तो बहुत इजी है आप लोग भी कर सकते हैं लेट्स डू इट अगर हम इकट्ठे होते हैं और मेरी क्लास के अंदर होती तो डेफिनेटली आई वुड हैिवन यू बंच ऑफ़ क्वेश्चन लेकिन मैं आपको असाइनमेंट पोस्ट करूँगी क्योंकि प्रॉबिलिटी के कुछ क्वेश्चन को खुद से हासिल करना जरूरी है ताकि आपको फुली अंडरस्टैंडिंग हो तो so, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है सपोज वी रोल टू डाइस वट इज़ अ प्रॉबलिटी बोथ डाइस शो आ फाइव सो इसका क्या होगा कि इवेंट वन है इस पे भी फाइव आए और इवेंट टू जो है इस पे भी फाइव आए तो फाइव ऑन फर्स्ट डाइज एंड फाइव ऑन द सेकेंड डाइस तो अब अगर मेरे पास वर्ड एंड है तो यू रिमेम्बर कौन सा लॉ लगेगा या मल्टीप्लीकेशन लॉ सो फाइव आने की प्रॉबलिटी फर्स्ट डाइज के ऊपर इज वन बाय सिक्स और इसी तरह दूसरे डाइज के ऊपर भी वन बाय सिक्स आने की प्रॉबलिटी जो है वो oh, फाइव आने की प्रॉबल्टी वन बाई सिक्स है बिकॉज आई एम सेट फाइव ऑन द फर्स्ट वन एंड फाइव ऑन द सेकेंड वन एन की वजह से मल्टीप्लीकेशन लगाऊंगी एन आंसर वो बी वन बाई थर्टी सिक्स दर एन अदर एग्जाम्प अच्छा प्रॉबिलिटी के क्वेश्चन में हमें सैम्पल स्पेस बी बनानी पड़ती है सैम्पल स्पेस का मतलब है कि आपने सारे पॉसिबल आउटकम्स के लिए देखना है कि वो किस किस तरह से आकर कर सकते हैं इसकी एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको कि सैम्पल स्पेस कैसे बनता है फिर मैं इसको और एलेबोरेट करूंगी यू टॉस अ क्वाइन थ्री टाइम्स वॉट इज द प्रॉबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू हेड्स आपने uh, तीन दफ़ा क्वाइन को टॉस किया है एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट टू हेड्स आए इसके लिए आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा सैम्पल स्पेस का मतलब है कि वो कौन कौन सी ऑप्शन हैं जिनमें टू हेड्स आ सकते हैं और एट लीस्ट टू हेड्स आ सकते हैं तो so इसमें सैम्पल स्पेस में ये बन सकता है कि आपका पहले पे हेड आ जाए और एटलीस्ट टू हेड्स हैं और दूसरे पे हेड आ जाए लेकिन तीसरे टॉस पे टेल आए या आपका ये हो सकता है कि आपका पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए और फिर हेड आ जाए या आपका ये हो सकता है कि आपका पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड और तीसरे पे हेड और चूँकि है एटलीस्ट टू हेड्स तो इसका मतलब है कि अगर तीनों भी हेड्स आ जाएं तो दैट्स वेटी मच फाइन क्योंकि दैट्स वट वी नीड टू कैलकुलेट एंड दैट्स वट द क्वेश्चन इज़ डिमांडिंग एटलीस्ट टू हेड्स हो ज्यादा से ज्यादा तीन हेड्स भी हो सकते हैं तो आपका पहला भी हेड हो दूसरा भी हेड हो और तीसरा भी हेड हो अब आपने इसके ऊपर सारा फॉर्मूलाज लगा के कैलकुलेट करके फिर आपने आंसर करना है लेट्स डू दिस एग्जाम्पल अगेन तो हमने एटलीस्ट टू हेड्स के लिए निकालने हमने एक क्वाइन को तीन दफा टॉस किया तो आपने इसके लिए सैंपल स्पेस बनाना है सैम्पल स्पेस कैसे है कि आप हो सकता है पहले पे हेड आए दूसरे पे हेड आए और तीसरे पे टेल आ जाए या ये हो सकता है कि पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल और फिर तीसरे पे हेड या फिर ये हो सकता है कि आपका पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड तीसरे पे हेड या फिर ये भी हो सकता है कि चूंकि एटलीस्ट टू हैं तो तीनों के तीनों टेल्स आ जाए ये अब दिस एंड दिस एंड दिस और दिस and this and this or this and this and this or this and this and this or अब मैंने आपको दोनों लॉज लगा दिए हैं विद इन अ साम्पल साइज साम्पल स्पेस ऑफ लीस्ट टू हेड्स अब इनकी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़ मैं लिखूँगी जहाँ एंड है वहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी जहाँ और है वहाँ पे एडिशन करूँगी हेड आने की प्रॉबिलिटी वन बाई टू इन वन बाय टू इं वन बाय टू ये कर दिया अब प्लस करेंगे ये इक्वल हो गया कितने के वन बाय एट के इसी तरह सबकी वन बाय एट ही बनेगी वन बाय एट इसकी वन बाय एट इसकी वन बाई एट इसकी वन बाय एट इसकी तो इन चारों को मैं जमा करूँगी सो वन बाय एट क्योंकि ये और है तो मैं प्लस करूँगी वन बाय एट प्लस वन बाय एट प्लस वन बाई एट विच इज इक्वल टू फोर बाय एट विच इज इक्वल टू वन बाय टू विच इज इक्वल टू पॉइंट फाइव विच इज इक्वल टू फिफ्टी परसेंट सो सी आपको किसी भी प्रॉब्लिटी में ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वन बाय सिक्स नहीं निकलेगा बल्कि यू हैव टू हैव अ साम्पल स्पेस कि अगर एटलीस्ट टू हेड्स हैं तो वो कैसे कैसे एटलीस्ट टू हेड्स अगर कर सकते हैं सो यू विल मेक अ साम्पल स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स और फिर साम्पल स्पेस के अंदर आप हर इवेंट की इंडिविजुल प्रॉबिलिटीज़ लिखेंगे और फिर उसके अंदर आप दोनों लॉज लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल और उसके बाद वैल्यूज प्लाग इन करके यू विल कैलकुलेट कि अगर हम एक क्वाइन को तीन दफ़ा टॉस करें तो द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स इज पॉइंट फाइव या फिर फिफ्टी परसेंट